हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज केवल कमसरी। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आई एम ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट सिंस मोर देन 5 इयर्स। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस डिस्कशन। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एडवांस स्ट्रेटजी। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर एडवांस स्ट्रेटजीज। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, बट मैंने उसको कैटेगराइज किया है। अगर कोई स्ट्रैटेजी में चार या चार से ज्यादा लेग होते हैं तो उसे हम एडवांस स्ट्रैटेजी कहेंगे। सो आज हम चार स्ट्रैटेजी सीखेंगे जो स्क्रीन पे, लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई, लॉन्ग आयरन कॉन्डर और शॉर्ट आयरन कॉन्डर। ये होते क्या है? तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो को समझने के लिए प्रीवियस वीडियो का समझना बहुत जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में हमने स्ट्रैडल स्ट्रैंगल दोनों देखा था। अभी ये जो चारों स्ट्रैटेजी है वो इनका कॉम्बिनेशन है। वॉट इज लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई? लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई इज नथिंग बट लॉन्ग स्ट्रैडल प्लस शॉर्ट स्ट्रैंगल। सो वो होता क्या है, तो आपको मैं आप दिखा देता हूँ। इसमें क्या करना रहता है, एट द मनी का कॉल बाय करो, एट द मनी का पुट भी बाय करो, बट जो कॉस्ट रिकवर करना है उसके लिए आउट ऑफ द मनी का कॉल और पुट दोनों बेच देना है। अभी आप बोलोगे ये क्या हुआ, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने इधर HDFC बैंक का एग्जाम्पल लिया है, उसका 842 रुपीस का क्लोजिंग प्राइस है। तो एट द मनी कॉल एंड पुट इज 840 का कॉल और पुट। तो हम क्या करेंगे इस स्ट्रैटेजी के लिए, ये 840 का कुल कॉल और पुट दोनों बाय कर लेंगे, बट हमको ये जो प्रीमियम पे करना पड़ा है उसको, वो प्रीमियम को, मैक्सिमम प्रीमियम है वो रिकवर करने हम क्या करेंगे, 880 का कॉल शॉर्ट कर देंगे और 800 का पुट शॉर्ट कर देंगे। आप बोलोगे कि मुझे 900 का करना है और 780 का पुट शॉर्ट करना है, तो आप कर सकते हो, बट फॉर द टाइम बीइंग मैंने 880 का लिया है, क्योंकि अगर मैं इधर 45 रुपीस प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो इधर मुझे 880 के कॉल में 30 रुपीस का प्रीमियम रिसीव हुआ है, तो नेट मैं 15 रुपीस ही प्रीमियम पे कर रहा हूँ। और अगर पुट का बात करें तो इधर मैं 48 रुपीस अप्रोक्सीमेटली पे कर रहा हूँ प्रीमियम। सो 800 का कॉल अगर मैं शॉर्ट करूंगा तो इधर भी मैं 30 रुपीज अप्रोक्सीमेट मुझे प्रीमियम रिसीव हो रहा है, तो मैं नेट 17 रुपीज ही प्रीमियम पे कर रहा हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा नजदीक का कॉल और पुट सिलेक्ट किया है शॉर्ट करने के लिए। सो यही हमारा ऑप्शन ओरेकल सॉफ्टवेयर में मैंने ये फीड कर दिया है, दैट इज 840 का कॉल लॉन्ग करना है, 840 का पुट लॉन्ग करना है, जैसे ही हमने ये लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया। ठीक है, अगर आपको पता होगा प्रीवियस वीडियो आपने देखा है तो ये स्ट्रैडल ऐसा दिखता है। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल 840 पे ही चला रह गया तो आपका 46,000 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो लॉस कम करने के लिए हमने एक शॉर्ट स्ट्रैंगल बना लिया। शॉर्ट स्ट्रैंगल क्या रहता है कि हमने एक आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ द मनी पुट सेल कर दिया। अभी आपका मैक्सिमम लॉस इज 16,000 रुपीज ओनली। जो 48,000 रुपीज था वो 16,000 रुपीज पे आ गया, जो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया। बट सामने आपका जो प्रॉफिट है, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ गया तो आपको मैक्सिमम 3,075 रुपीज ही प्रॉफिट होगा। लेट्स से अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आया और HDFC बैंक का प्राइस अभी 840 से चला गया, लेट्स से 740, अगर 740 पे प्राइस चला गया तो आपको 3,075 रुपीज का प्रॉफिट होगा। तो अगर मार्केट में बड़ा मूव आया तो आपको 3,075 रुपीज ही मिलेगा, बट आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब चालू हो रहा है, तो हम इधर से देख सकते हैं कि अपर ब्रेक इवन इज 873 और लोअर ब्रेक इवन इज 806। अगर इसके बीच में रहा तो आपको लॉस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्या रेट चल रहा है। यही अगर मैंने ये जो शॉर्ट ट्रायंगल नहीं बनाया होता तो मेरा लॉस बहुत बड़ा होता। एक तो मेरा ब्रेक इवन भी बहुत दूर आता। सी माय ब्रेक इवन वुड बी 745 लोअर साइड और 934 अपर साइड, तब तक मुझे लॉस होता, बट उसके ऊपर बाद में प्रॉफिट चालू होता। बट अगर मैंने एक शॉर्ट ट्रायंगल बना लिया उसे कवर करने के लिए, तो अभी माय ब्रेक इवन लोअर साइड इज 804 और अपर साइड इज 873। अगर आप देखोगे तो अभी अपर ब्रेक इवन इज
3.7%, लोअर ब्रेक इवन इज 4.33%। अगर मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल बनाया होता तो मेरा अपर ब्रेक इवन 10% और लोअर ब्रेक इवन 11.52%, मतलब अपर 11%, लोअर भी 11.5%, जो बहुत ज्यादा है। तो और अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम लॉसेस 47,000 रुपीज, इसमें मैक्सिमम लॉसेस 16,900, दैट इज 17,000 रुपीज। तो ये तो हुआ लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई। अभी शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई क्या रहता है, इसका एग्जैक्ट अपोजिट। मैं क्या करूंगा, इधर मैंने लॉन्ग स्ट्रेडल किया था तो इधर मैं शॉर्ट स्ट्रेडल कर दूंगा, ठीक है। और इधर मैंने क्या किया था, शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया था तो इधर मैं लॉन्ग स्ट्रैंगल बना लूंगा। तो दिस इज शॉर्ट एंड बटरफ्लाई। तो ये कब करना है, सो लेट से आपने क्या किया कि आपको लग रहा है कि मार्केट में ज्यादा मूवमेंट आएगा नहीं, मार्केट वुड बी रेंज बाउंड। तो आपने क्या किया, ये जो कॉल और पुट सेल कर दिया और ये आपका नॉर्मल शॉर्ट स्ट्रेडल। बट इसमें एक ड्रॉबैक है कि अगर मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया, लेट से अगर HDFC बैंक का प्राइस 600 रुपीज चला गया तो आपको 72,000 रुपीज का लॉस हो सकता है। तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है। तो आपने क्या किया, रिस्क कम करने के लिए एक शॉर्ट ट्रायंगल बना लिया। आपने क्या किया, 880 का कॉल बाय कर लिया और 800 का पुट बाय कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि आपका अभी इवन इफ अगर HDFC बैंक का प्राइस 600 रुपीज चला जाए तो आपका मैक्सिमम लॉस वुड बी 3,000 रुपीज ओनली। अभी आपका मैक्सिमम लॉस कैन बी 3,000 रुपीज ओनली, उससे ज्यादा आपको लॉस हो ही नहीं सकता है, बराबर है। अगर लेट से अगर मार्केट में मूवमेंट आया नहीं है, आपने जो शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया था वो आपका परफेक्ट हुआ और मार्केट में मूवमेंट आया ही नहीं, और लेट से HDFC बैंक का क्लोजिंग प्राइस 850 रुपीज, ठीक है, तो उस केस में आपको 11,800 रुपीज का प्रॉफिट होगा। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कैन बी 16,700 रुपीज एंड योर मैक्सिमम लॉस कैन बी 3,075 रुपीज। तो शॉर्ट आयरन कॉन्डर, शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बना के आपने आपका मैक्सिमम रिस्क फ्रीज कर दिया। अभी अगर आप ये लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई बनाओगे तो ये स्ट्रैटेजी में मार्जिन 1,05,000 रुपीज लगेगा, और अगर आप शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाओगे तो अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 रुपीज इतना मार्जिन लगेगा। वो कैसे हम चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ये लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई का है, 840 का कॉल और पुट बाय कर लिया, 880 का कॉल सेल, 800 का पुट सेल। अभी हम उल्टा करेंगे इसका, HDFC बैंक, और इधर मैंने जून का लिया है क्योंकि मैं अभी ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। तो इधर मैं क्या करूंगा, 840 का कॉल और पुट दोनों सेल कर दूंगा और मैं 880 का कॉल बाय कर लूंगा और 800 का पुट भी बाय कर लूंगा। तो इसमें 1,40,000, जैसे मैंने बोला था, अप्रोक्सीमेटली 1,40,000 रुपीज मार्जिन आएगा अगर मैंने शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई बनाया। अगर मैंने लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई बनाया तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 1,05,000 का मार्जिन आएगा। तो आपने देखा कि अगर हम आयरन बटरफ्लाई बनाते हैं तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस हमें पता रहता है, ठीक है। ये तो हुआ लॉन्ग आयरन बटरफ्लाई और शॉर्ट आयरन बटरफ्लाई। अभी लॉन्ग आयरन कॉन्डोर और शॉर्ट आयरन कॉन्डोर भी रहता है, वो क्या रहता है वो समझ लेते हैं। तो पहले लॉन्ग आयरन कॉन्डोर क्या रहता है वो देख लेते हैं, बाय स्ट्रैंगल और सेल स्ट्रैंगल, ठीक है। तो लेट्स से अभी आयरन कॉन्डोर समझने के लिए हम ITC का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, नया चालू कर दूंगा ITC। सी, तो अगर हम देखते हैं
आउट ऑफ द मनी कॉल और आउट ऑफ मनी पुट बाय करना है, ठीक है। तो लेट से हम क्या बोलते हैं कि 200 का कॉल बाय करेंगे और 170 का पुट बाय करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर मुझे स्ट्रैडल बनाना होगा तो बहुत कॉस्ट लगता है, बट अगर मैं स्ट्रैंगल बनाऊंगा तो मेरा कॉस्ट ड्रास्टिकली कम लगेगा। तो लॉन्ग पुट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 200 का कॉल और 170 का पुट बाय कर लिया, 200 का कॉल और 170 का पुट बाय कर लिया। तो ये हमने जो ट्रायंगल बनाया है ये बाय ट्रायंगल है। अगर मार्केट में मूवमेंट आया तो ही आपको प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आया, दैट इज अगर ITC का प्राइस 208 से ऊपर नहीं गया तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। और डाउन साइड में 162 रुपीज अगर ITC का प्राइस नहीं गया तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, दैट इज डाउन साइड 13% और अपर साइड 11%। ये तो बहुत बड़ा रेंज है। तो हमने क्या किया, एक शॉर्ट ट्रायंगल बना लिया थोड़े ऊपर के रेट्स का। तो इसमें देख लेते हैं अभी क्या हुआ, मैंने 200 का कॉल जो बाय किया था उसका कॉस्ट रिकवर करने 210 का कॉल सेल कर दिया, और 170 का जो कॉल बाय किया था उसे उसका कॉस्ट रिकवर करने 160 का पुट सेल कर दिया। तो अब देखते हैं अब ग्राफ कैसा बनता है। अब मेरा ब्रेक इवन पॉइंट इज 166 और ऊपर की साइड 204, ठीक है। तो अभी अपर ब्रेक इवन इज 9% और लोअर ब्रेक इवन इज 11%। जो पहले 11 और 13% था उसको मैंने थोड़ा कम कर दिया है। अभी मैंने क्या किया है, अगर मुझे लॉस होता तो मैक्सिमम लॉस वुड बी 19,560 रुपीज, बट अगर मैंने शॉर्ट ट्रायंगल बना लिया तो माय मैक्सिमम लॉस वुड बी 9,600 रुपीज, जो 19,600 रुपीज था वो मैंने 9,600, तो मैंने 50% से भी ज्यादा लॉस को मिनिमाइज कर दिया बाय फॉर्मिंग दिस शॉर्ट ट्रायंगल, ठीक है। तो ये तो हुआ लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। भी शॉर्ट आयरन कॉन्डोर क्या रहता है, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर इसका अपोजिट रहता है। ये जो हमने पहले बायस ट्रायंगल बनाया था उसके जगह सेल्स ट्रायंगल बनाना है, और उस वो जो सेल्स ट्रायंगल का है उसका रिस्क कवर करने के लिए थोड़ा और आउट ऑफ द मनी का बायस ट्रायंगल बनाना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको अपोजिट कर देते हैं, शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट, लॉन्ग पुट, शॉर्ट, लॉन्ग कॉल। तो अब क्या हो गया, हम ग्राफ में चेक कर लेते हैं। अब अगर ITC रेंज बाउंड रहा तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये कब करना है, ये जब आप शॉर्ट ट्रायंगल बनाया है, तो शॉर्ट ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि आपका लॉसेस अनलिमिटेड। अगर कोई बड़ा मूवमेंट आ गया, लेट्स से ITC का प्राइस 150 रुपीज हो गया, तो आपको 29,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। वॉट इफ वो 250 तक चला गया ऊपर, तो आपका 1 लाख का लॉस हो सकता है, बट अगर वो रेंज बाउंड रहा तो आपको 19,000 का प्रॉफिट होगा। ये तो था शॉर्ट ट्रायंगल, बट इसमें लॉस अनलिमिटेड था, तो वो लॉस को लिमिट करने के लिए मैंने बाय ट्रायंगल बना दिया। तो अब क्या हुआ, माय मैक्सिमम लॉस कैन बी 14,400 रुपीज, मेरा 14,400 रुपीज से लॉस बढ़ नहीं सकता है, तो मैंने मेरा मैक्सिमम लॉस को कैप लगा दिया। बट माई मैक्सिमम प्रॉफिट ऑल्सो डिक्रीज, पहले वो 19,600 रुपीज था, अभी वो 9,600 रुपीज हो गया। सो ये केस में मैंने मेरा मैक्सिमम जो लॉस है वो कवर कर दिया। अभी हम देख लेते हैं अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करना है तो मुझे मार्जिन कितना लगेगा। तो लेट्स चेक ATC का मे का सॉरी जून का ही देखते हैं। इधर हमने क्या किया था कि 200 का कॉल शॉर्ट किया, 170 का पुट शॉर्ट किया, 170 का
पुट शॉर्ट किया था। तो अगर मैं ऐसा शॉर्ट ट्रायंगल बनाता तो मुझे अप्रोक्सीमेटली 1,50,000 रुपीज का मार्जिन लगता। बट मैंने और एक बायस ट्रायंगल बनाया ताकि शॉर्ट आयरन कॉन्डोर बना सकूं, तो उस केस में मार्जिन कितना कम होगा, क्या कितना बढ़ेगा वो चेक कर लेते हैं। तो इसे कवर करने के लिए मैंने 160 का पुट बाय कर लिया और 210 का कॉल बाय कर लिया। तो जो 1,50,000 का मार्जिन था वो 1,40,000 हो गया। सो अगर आप शॉर्ट ट्रायंगल बनाते तो आपका मार्जिन वुड बी 1,15,000। बट अगर आपने इसका रिस्क कवर कर लिया, इसमें दो बेनिफिट होता है, आपने आपका मैक्सिमम रिस्क फ्रीज कर दिया 14,000 रुपीज पे। अगर आप शॉर्ट एंड शॉर्ट ट्रायंगल बनाते तो आपका रिस्क वुड बी अनलिमिटेड, बट इधर आपका रिस्क इज लिमिटेड टू 14,000 रुपीज, विच इज रिस्क मैनेजमेंट। और साथ ही आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो गया। ठीक है, तो आज के लिए ये दो स्ट्रैटेजी, आयरन कॉन्डोर और आयरन बटरफ्लाई। कल के वीडियो में हम और भी ज्यादा एडवांस, मतलब और ज्यादा लेग वाली स्ट्रैटेजी समझेंगे। सो आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।